एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू जनरली ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं? सेल्स की तादाद की बिना पर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो बहुत से सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो जैसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत से सेल्स हैं, तो उन सेल्स जो को क्या किया गया है, वो सेल्स जो हैं उन्होंने अपना अपना काम जो है वो बांट लिया हुआ है, जिसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। यानी बॉडी के जो हमारे फंक्शन है वो अलग अलग फंक्शन जो है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी बेस पर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो आपको मैंने बताया भी है एक वीडियो में कि देयर आर वेरियस सेल्स इन आवर बॉडी। तो सेल्स क्या करते हैं, एक ग्रुप में होके जिसको हम टिश्यू का नाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम, टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत से ऑर्गन जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनता है। और जब सिस्टम वेल डिफाइंड होता है तो हमारी बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स किस किस्म के, एक और ये एलॉन्गेटर टाइप ऑफ सेल्स इस तरह के बताए हुए थे, मस्कुलर ये मसल सेल्स जो हैं। इसी तरह से हमारा जितना भी सिस्टम है, जैसे अगर हम बात करें ये हमारा ये भी एक ऑर्गन है, हमारी जो चमड़ी है, त्वचा है, ये भी ऑर्गन है, जिसमें जो सेल्स होते हैं, सेल का जो ग्रुप है जिससे मिलकर हमारा ये ऑर्गन, ये हमारी त्वचा स्किन बनी हुई है, वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसी तरह से ब्लड सेल जो है वो अपना काम करते हैं, ये मसल सेल जो है वो अपना काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अपने सेल्स हैं, उनका अपना काम है। तो इसी तरह से बॉडी में अलग अलग सेल्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग हुई है, और वो जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक ही काम को अंजाम देते हैं, परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, वो हो गया टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे, जैसे प्लांट्स हैं ये भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, लेकिन फिर भी हम इनको कहते हैं कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों लिविंग है? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स मूवमेंट तो नहीं करते, ये स्टेशनरी है, लेकिन कद में ये बढ़ते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने के लिए इसमें जो सेल्स हैं जिससे मिलकर ये प्लांट बड़ा होता है, तो वो सेल्स जो हैं वो सारा काम करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सेल्स से ही होती है, क्योंकि सेल से ही प्लांट बॉडी जो है वो बनी हुई है। आइए बात करें कि प्लांट टिश्यूज मीन्स प्लांट में जो सेल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिनकी ग्रुपिंग हुई है, ग्रुप में है, वो प्लांट टिश्यू है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू जो है ये टू टाइप्स के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टम मीन्स टू डिवाइड, ये बात आपने याद रखी है।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, इसके सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही है। ये टिश्यू इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो अगर हम इनके शेप की बात करें कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं उनकी शक्ल कैसी है, सेल्स आर स्फेरिकल, आप समझ गए इस तरह के राउंड शेप, ओवल, रेक्टेंगुलर भी होते हैं इस तरह से इन शेप या पॉलीगोनल इन शेप, ये इनका शक्ल होती है किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। अब इसमें क्या क्या खूबियां हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सेल्स आर पैक्ड क्लोजली, जैसे जहां पर ये बनाए हुए हैं सेल्स आर, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये, तो इसके सेल्स जो है वो इस तरह से जुड़े हुए होते हैं आपस में पैक्ड क्लोजली, बिल्कुल क्लोज, उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर एबसेंट, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे चपके होते हैं जैसे फर्श पर हम टाइल लगाते हैं उस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल चपके हुए होते हैं, कौन, सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इनके अंदर जो है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट होता है, साफ दिखता है इस तरह से, तो यही इसका एक कारण है क्योंकि न्यूक्लियस ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये सेल्स जो है इन सेल में डिवीजन होती है, तो नए नए सेल्स जो है वो बनते जाते हैं, तो न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। अब सेल्स आर कवर्ड बाय थिन सेल वॉल, तो सेल वॉल जैसे ये है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है, कुछ ज्यादा मटीरियल ऐसे घना डार्क ये का हमें दिखता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये कहाँ होते हैं, पौधे के किस हिस्से में होते हैं, तो जनरली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इसको हम ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये जो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहां कहां होते हैं प्लांट्स के किस हिस्से में, उस बेस पर, ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो पहले एपिकल मेरिस्टम्स, ये जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये प्लांट है, देखिए दिस वन इज द ये प्लांट। अब ये जो एपिकल मेरिस्टम्स हैं प्रेजेंट एट द एपिक्स आर टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, ये इसका इसके प्लांट्स के दो हिस्से होते हैं, एक वो वाला ये वाला हिस्सा जो मिट्टी में होता है इसको हम रूट कहते हैं, और ये ऊपर वाला भाग जिस पर ये टहनियां पत्ते फल फूल लगते हैं पौधे पर, ये वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं शूट। तो रूट्स और शूट्स हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो एपिकल मेरिस्टम जो है ये इस स्टेम की, जैसे ये टिप्स है यहां पर होता है, और ये जो रूट्स है इसका ये 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 जो टिप्स है ये आप देख रहे हैं, ये आप इस जगह पे ये एपिकल मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, और प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है मीन्स इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट, पौधे की लेंथ जो बढ़ेगी या रूट्स की जो लेंथ बढ़ेगी वो किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टम्स। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, तो ये लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, बार्क आप जानते हैं ये जो पौधा है इसकी जो छाल है ना, इसके नीचे जैसे ये क्या है, ये बार्क है, ये बार्क है, और इस बार्क के अंदर ये वाला जो भाग हमें दिखता है
ये प्लांट का इस हिस्से में मतलब बार्क के नीचे, छाल के नीचे इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको बार्क कैनियन बोलते हैं। ये वाला जो भाग है प्लांट का, यहीं पर ये जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो है लेटरल मेरिस्टम्स। और इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें इंक्रीज गिफ्ट ऑफ प्लांट, पौधे की गिफ्ट को बढ़ाते हैं। गिफ्ट को पौधा जो है वो थिक होता जाता है, मोटा होता जाता है। आप देखते हैं बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स तने जो है वो कितने कितने मोटे होते हैं। तो ये जो थिकनेस है ये किससे होती है? ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम्स। तो मेरिस्टम्स कहाँ होते हैं? कि मैंने आपको बताया बनीता बार चार के नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसमें। अब इंटर केंद्रीय मेरिस्टम्स की बात करें, ये प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ लीव्स। ये जो प्लांट के ये जो पत्ते हैं, जैसे ये है इसकी बात करें, ये इसका ये लीव्स है, इस ये जो बेस है जहां पर ये साफ दिख रहा है, इस जगह पर जो सेल्स होते हैं, एरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम्स। ये इस जगह पर होते हैं, नूर्स पे होते हैं, है ना। और इनका काम क्या है? ये इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ये इससे टहनिया जो है, टहनी की लेंथ बढ़ेगी, लीव्स जो है वो बड़े बड़े होंगे, लीव्स की ग्रोथ होगी, है ना, लेंथ होगी। तो ये इसके लिए, ये यहाँ पर डायग्राम में भी लिया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।